हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लोग यूवी क्लास 5 के भाषा अभ्यास का पार्ट एक दिमागी लड़ाई के सारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नंबर 1, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नीचे लिखिए। तो यहाँ पर जो मोटे काले शब्द दिए हुए हैं, इसको यहाँ पर लिखना है। क सल्तनत, ख जल्दी, ग ताजुब, ग तुम्हारा, बच्चे छुट्टी। 2, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। गणित के सवाल हल करना टेढ़ी खीर है, तो इसमें ये वाला होगा। मेरे घर के पीछे आम का एक बड़ा पेड़ है, तो इसमें ये वाला होगा। रवि ने दीवार में कील गाड़ी, तो इसमें ये वाला गाड़ी होगा। रंग का घोल काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो इसमें ये वाला होगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। 3, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। क सल्तनत, तो इसका जगह हो जाए सल्तनत का सयाना आदमी था। ख जल्दी, रीचा को जल्दी पकड़ लाओ। ग ताजुब, उसे देखकर मुझे ताजुब हुआ। घ तुम्हारा, तुम्हारा भाई चला गया। छुट्टी, कल छुट्टी है। आप इस ये सब वाक्य को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। 4, सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। देखिए, इसे का ये चित्र है तख्त का, ये सल्तनत है, और ये सुल्तान, ये फौजी, ये ताज, ये तोप। एक दिन पड़ोसी सुल्तान, यहाँ पर एक शब्द दिन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब पाठ में से नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द छाट कर लिखिए। टेढ़ी लकीर, कुछ खिलौने, दिमागी लड़ाई, अकलमंद दरबारियों, सयाना आदमी, फाड़ी सामान। 6 में इसमें हम लोग को पढ़ना है बोल बोल के। 7 में इसको पढ़ना और समझना है। तो 8, नीचे दिए गए वाक्यों को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। का उसने ऐसा क्यों किया भला, तो इसका होगा भला उसने ऐसा क्यों किया। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब, आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। पर वह कुछ समझ तो न सका चकाना, पर वह कुछ समझ तो ना सका। क्या हो गया आखिर, आखिर क्या हो गया। 9, नीचे दिए गए शब्द सीढ़ियों को चित्रों के सहायता से पूरा कीजिए। देखिए, इसका होगा अनार, यहाँ होगा दीवार, दीपक, पालक, यहाँ पर देखो चांदनी, चाटीनी, चावल, सावल, सवाल। 10, नीचे दिए गए चित्रकथा में अपने संवाद लिखिए। देखिए, उफ बहुत गर्मी है, प्यास से गला सूख गया, चलो पानी तलाश करते हैं। पानी, ठहरो ये पानी गंदा है, पर मैं बहुत प्यासा हूँ, चलो कहीं दूसरी जगह पानी तलाश करते हैं। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हम बीमार हो जाएंगे।